तो आज के वीडियो के लिए गाइस मेरे पास आया है लेनोवो का ये नया लैपटॉप जो कि एम्ड है उन लोगों के लिए जो कि प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं अपने लैपटॉप पर या फिर जो कि बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी लैपटॉप के बारे में, जानेंगे क्या क्या इस लैपटॉप के बॉक्स में अपने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या प्रोज मुझे लगे और क्या क्या मुझे कॉन्स लगे। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। तो सबसे पहले बात कर लें कि बॉक्स में दिया क्या क्या जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी स्लीक एंड नाइस लुकिंग बॉक्स, ये ब्लैक कलर का, यहाँ पर आपको योगा ब्रांडिंग जो है दी जाती है और पीछे कुछ इस तरह का। तो मेन थिंग वी गेट इज़ द लैपटॉप यूनिट इटसेल्फ जो कि ये ब्लैक से बैग में आता है। दिस इज़ द लैपटॉप, साथ ही में वी आर गेटिंग थोड़ा सा पेपर वर्क, सेफ्टी एंड वारंटी गाइड, विंडोज़ 10 लाइसेंस और इसका जो है ये है इसका मैनुअल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेज ऑफ लेनोवो प्रोडक्ट। तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन बात कर लें इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की, तो देखिए पहली बात तो ये जो लैपटॉप है दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप, मतलब इसके वेट की बात करें तो 966 ग्राम्स का सिर्फ ये लैपटॉप है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये इतना हल्का लैपटॉप है तो आई एम श्योर कि इसमें तो प्लास्टिक का यूज़ किया गया होगा, बट ऐसा नहीं है। सो दोस्तों इस लैपटॉप का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है विथ सेकेंड जनरेशन हाई ग्रेड कार्बन फाइबर्स, जिसकी वजह से होता ये है कि पहली बात तो जो आपका लैपटॉप है वो लाइट इन वेट हो जाता है, प्लस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ जो इसकी स्ट्रेंथ है वो एक मेटालिक कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा निकल कर आती है फाइनल प्रोडक्ट में। और इनफैक्ट इस लैपटॉप का जो नमन क्लेचर है उसमें भी आप कार्बन वर्ड का यूज़ देख सकते हैं, तो वो यही डिपिक्ट करता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बॉडी का वो कार्बन फाइबर से किया गया। एंड दिस इज़ द सेम मटेरियल जिसका यूज़ आप आजकल की जो नई स्पोर्ट्स कार्स आती हैं, रेसिंग कार्स आती हैं, उनमें आप देखते हैं वही सेम मटेरियल से इस लैपटॉप को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। टॉकिंग अबाउट द कलर और जो पेंट जॉब इज़ वेरी प्रीमियम, काफ़ी अच्छा सा ये जो मैट वाइट कलर है वो लग रहा है, एलिगेंट एंड सटल मैं बोलूंगा सीधी भाषा में कि इस तरह का ये लग रहा है। और लेनोवो कॉल्स दिस देयर मून वाइट कलर, तो इस तरह का जो पेंट जॉब है वो आपको इस लैपटॉप पर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस लैपटॉप बेस्ड है इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म पर, मतलब इस लैपटॉप को इस तरीके इंजीनियर किया गया है कि ये कुछ कमाल के स्टैंडर्ड्स को मीट करे, जिनमें से कुछ की अगर हम लोग बात करें तो वी गेट बिल्ट इन वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी, सुपर बूट एंड लोड टाइम्स ऑल द टाइम, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर के लिए, प्लस कमाल का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप जो कि पॉसिबल हो पाता है व्हेन इंटेल कंबाइंस देयर आयरिस एक्सी ग्राफिक्स विद देयर लेटेस्ट 11 जेन प्रोसेसर्स। सो इस लैपटॉप में हमें मिलता है इंटेल 11 जनरेशन टाइगर लेक बेस्ड कोर i7-1185G7 प्रोसेसर, मतलब कि यहाँ पर आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स दिए जाते हैं। बात कर लें इसकी क्लॉक स्पीड्स की तो 2.8 GHz की यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी दी जाती है और आपको 4.7 GHz की टर्बो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। परफॉर्मेंस के मामले में दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोसेसर, मतलब आपको मल्टीटास्किंग करना हो, मल्टीपल क्रोम विंडोज, मल्टीपल एप्लीकेशन आप एक बारी में रन करें, किसी तरह का आपको यहाँ पर डिले नहीं आएगा, किसी तरह की आपको परफॉर्मेंस वाइज कमी महसूस नहीं होगी। प्लस दिस इज़ अ वेरी एनर्जी एफिशिएंट CPU, जो आपका बैटरी बैकअप है वो काफ़ी इफेक्ट होने वाला है, इससे कि जो बैटरी बैकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रह पाएगा। यहाँ पर आपको 16 GB का DDR4 सोल्डर डिम मिल जाता है एज द रैम, जो कि 4266 MHz फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक्ड आता है। तो अगर कोई क्रिएटिव प्रोफेशनल भी इस लैपटॉप को यूज़ करता है, वो इस पर फोटोशॉप रन करना चाहे या प्रीमियर प्रो रन करना चाहे, तो 16 GB में इस तरह के एप्लीकेशन को भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मुझे एक सेटबैक लगा इस चीज़ का, जो कि है कि इसकी जो मेमोरी है उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब ये जो 16 GB का एक मॉड्यूल सोल्डर आता है यही रहेगा इस लैपटॉप में, आप इसमें और रैम ऐड नहीं कर सकते, आप इस रैम को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मेरी नजरों में गाइस दिस इज द कॉन नंबर 1 ऑफ दिस लैपटॉप। अब दोस्तों बात आ जाती है स्टोरेज की, जो कि मैंने आपको लास्ट मेरे लैपटॉप रिव्यू में भी बताया था कि एक लैपटॉप में जब तक आप स्टोरेज अच्छी यूज नहीं करेंगे, मतलब आप बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा लैपटॉप ले लीजिए जिसके स्पेक्स बहुत ही ज्यादा हाई एंड हो, लेकिन जब तक स्टोरेज पार्ट अच्छा नहीं है ना, स्टोरेज एस्पेक्ट उसका अच्छा नहीं है, तब तक आपको वो स्नैपीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस अपने लैपटॉप में नहीं मिल सकती बिल्कुल भी। एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस लैपटॉप में आपको दी जाती है 1 TB की Gen 4 NVMe SSD, और इसकी स्पीड्स की बात करें तो ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स आपको मिल जाती है, मैं आपको रिजल्ट्स दिखा दूंगा स्क्रीन पर, जिसकी बदौलत होता ही है कि आपके लैपटॉप के बूट एंड लोड टाइम्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपका लैपटॉप जो है वो बूट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करें वो काफ़ी जल्दी लोड हो जाता है, प्लस जो आपकी फाइल ट्रांसफर स्पीड्स हैं, डेटा ट्रांसफर स्पीड्स हैं, वो बढ़ जाती हैं। एंड आपका लैपटॉप ऑल द टाइम स्नैपी और रिस्पॉन्सिव फील होता है, मतलब आप कुछ भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ भी क्लिक करेंगे ना, आपको बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका लैपटॉप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये लैपटॉप आता है इंटेल XC इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ में, जिसका मेन पर्पस ये है कि जो लैपटॉप है उसमें आपको ग्राफिक्स अच्छे मिले, लेकिन साथ साथ में बैटरी बैकअप भी उतना ज़्यादा सफर ना करे, उतनी ज़्यादा हीट भी जनरेट ना हो। वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, मतलब दिस इज नॉट मेंट फॉर गेमर्स, बट फिर भी
क्योंकि ये लैपटॉप मेरे पास आया है और इसके स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर मैं कोई गेम रन करके ना देखूं। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस पर रन करी वैलोरेंट, और वैलोरेंट पर मुझे जो परफॉर्मेंस था वो सेटिस्फैक्ट्री मिला। मतलब कीपिंग दिस इन माइंड कि दिस इज नॉट एम्ड फॉर द गेमर्स, गेमर्स के लिए नहीं बनाया लैपटॉप, उसके बाद भी जो FPS थे वो काफी स्टेबल आ रहे थे एंड प्लेबल एक्सपीरियंस मिल रहा था, विच मीन्स कि अपने काम के दौरान या थोड़ा काम से चिल करने के लिए बीच बीच में इवन इफ यू वांट टू रन अ गेम ऑन दिस लैपटॉप आप वो भी कर सकते हैं। इस पर आप गेम्स को भी कैजुअली एंजॉय कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो दिस इज माय फेवरेट पार्ट, डिस्प्ले आपको यहाँ पर इसका 13.3 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले जो है वो दिया जाता है, जो कि 2560x1600 के रेजोल्यूशन और 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। एंड दिस इज अ ग्रेट डिस्प्ले स्पेशली फॉर द कॉन्टेंट क्रिएटर्स, फॉर द क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो कि इस पर अपनी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं या अपनी फोटोज को फोटोशॉप पर एडिट करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि दिस इज अ हाई ग्रेड IPS पैनल और ये जो है यहाँ पर 100% sRGB कलर गैमेट के साथ में आता है, जिससे कि आपका जो कलर रिप्रोडक्शन और एक्यूरेसी है एडिटिंग के टाइम पर वो बहुत ही बेहतरीन आपको मिलने वाली है। लैपटॉप के IO की बात कर लें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको दो Type-C Thunderbolt पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए भी यूज हो सकते हैं, और जो इसका साथ में चार्जिंग डॉक्टर मिलता है वो भी इसी पोर्ट के साथ में आता है। राइट साइड पर आपको एक और USB Type-C पोर्ट मिलता है, बट ये वाला USB 3.2 Gen 2 पोर्ट है। इसके अलावा इसी साइड पर आपको इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन मिलता है और साथ ही में कंबाइंड हेडफोन एंड माइक्रोफोन जैक मिलता है। बात कर ले इस लैपटॉप के कीबोर्ड की तो बहुत ही प्रीमियम फील होता है एंड इसका ट्रैवल टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही कम है, विच मीन्स कि जो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ एंड इंजॉयबल रहता है। प्लस दिस इज अ बैकलिट कीबोर्ड और स्मार्ट बैकलिट कीबोर्ड आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर दिया गया IR सेंसर है वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जैसे ही लाइटिंग प्रॉपर हो आपके रूम में तो जो कीबोर्ड की बैकलिट है जो लाइट्स हैं LED वो बंद रहे, और जैसे ही आप किसी डार्क प्लेस पर जाएं ऑटोमेटिकली जो कीबोर्ड है वो बैकलिट हो जाता है, लाइट्स जो होती हैं वो ऑन हो जाती हैं। दोस्तों बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स में एक चीज़ बहुत ही काम की रहती है, बहुत ही ज़रूरी रहती है इनफैक्ट, जो कि है इसका इनबिल्ट वेबकैम और इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन। क्योंकि अगर एक बिजनेस प्रोफेशनल को कभी कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी हो, कोई सेशन लेना हो, तो उस चीज में ये बहुत ही काम की चीज है, इसकी जरूरत होती ही होती है। तो इसीलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इस लैपटॉप का एक क्विक वेबकैम एंड माइक्रोफोन टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों जस्ट टू टेस्ट द इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड वेबकैम, एक नॉर्मल डे टू डे यूज सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आई एम इन माय रूम जहां पर मेरा फैन भी वर्क कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, और यहाँ पर नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में ये आप मेरा जो वीडियो फुटेज है वो देख सकते हैं इसके वेबकैम से कैसा निकल कर आता है। प्लस जो मेरी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो भी इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही है, एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक 1 meter away from the laptop। साथ ही में यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको दो वॉट के इनबिल्ट स्पीकर्स दिए जा रहे हैं जो कि हरमन की तरफ से आते हैं, एंड वी ऑल नो हरमन इज अ वेरी वेल रेप्यूटेड ब्रांड। बट इसके ऑडियो परफॉर्मेंस की बात कर ले तो ऑडियो क्लैरिटी इज रियली गुड, बहुत अच्छी ऑडियो जो है मुझे इसकी लगी। बट जो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि काफ़ी बेसी आवाज़ और बहुत ज़्यादा लाउड हो तो वैसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला। बट हाँ, इतना इसमें साउंड है, इतना ऑडियो है कि एक नॉर्मल बंदा अगर कोई चीज़ को देखना चाहता है तो कैजुअली उसको इन्जॉय कर सकता है। प्रॉमिस्ड बैटरी बैकअप जो कि एडवर्टाइज़ किया गया दैट इज 13 hours, लेकिन अगर एक नॉर्मल यूज सिनेरियो की बात करें जिसमें आप कुछ एप्लीकेशंस भी चलाते हैं या कुछ चीजें रन करते हैं नॉर्मल डे टू डे यूज सिनेरियो में, तो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो बैटरी बैकअप है एक बार फुल चार्ज होने के बाद में 10 से 11 घंटे लास्ट आपको कर जाएगा। अच्छा, एक और कौन की यहां पर बात कर लें जो मुझे लगा वो ये है कि जब भी इस लैपटॉप के ऊपर आप कोई हैवी टास्क थ्रो करेंगे, मतलब नॉर्मल डे टू डे में आपको ऐसा नहीं होगा, बट वेन एवर यू थ्रो अ वेरी हैवी टास्क ऑन दिस, मतलब जैसे आप कोई बेंचमार्क रन करेंगे जो कि CPU इंटेंसिव है या ग्राफिक्स इंटेंसिव बेंचमार्क कोई आप इस पर रन करेंगे, तो जो इसका फैन है वो डेफिनेटली लाउड हो जाएगा। और मैं समझ सकता हूं क्योंकि यहाँ पर जो इस लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर है वो काफी कॉम्पैक्ट है और थिकनेस को बहुत ही कम रखा गया है, जिस वजह से ऑब्वियसली उतना बड़ा हीट सिंक यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। अभी पर आपको इस लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई USB टाइप ए पोर्ट नहीं मिलता, जो कि कुछ लोगों के लिए कुछ मतलब प्रोफेशनल्स के लिए एक सेटबैक रह सकता है, क्योंकि हर एक बंदा अभी जो टाइप सी वाला इंटरफेस है ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से अगर एक टाइप ए पोर्ट दिया जाता तो और अच्छा रहता, बट मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए थिकनेस को और कम करने के लिए यहाँ पर टाइप ए पोर्ट को जो है सैक्रिफाइस कर दिया गया है, बट अगर रहता तो और ज़्यादा बेटर रहता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे ओपिनियन की, मेरे हिसाब से किसको लेना चाहिए लैपटॉप और किन लोगों के लिए बना है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस चीज को कंसीडर करने में। तो यहां पर ये लैपटॉप जो है, ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट जो कि मेरे पास है, जो कि इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 119,000 रुपए का, 119,000 रुपीज में आपको लैपटॉप मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि प्राइसिंग के हिसाब से तो हाई एंड लैपटॉप है तो किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा,
पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया, दिस इज नॉट मेंट फॉर गेमर्स, गेमर्स के लिए लैपटॉप नहीं बना है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पोर्टेबिलिटी चाहिए और जो कि एक क्रिएटिव प्रोफेशनल है, यानी कि वो एडिटिंग करता है, वीडियोस एडिट करता है या फोटोज एडिट करता है, और उसको पोर्टेबिलिटी भी साथ में चाहिए कि नहीं मैं एक डेस्कटॉप को नहीं यूज़ कर सकता, मेरे लिए पोर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो इस लैपटॉप के साथ में जा सकता है। प्लस कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स जो कि आपको देख रहे होंगे कि कितना स्लीक सा, कितना एलिगेंट सा और हल्का सा लैपटॉप है, ईजी टू कैरी है, तो ऐसा कोई बिजनेस प्रोफेशनल जो कि अपने साथ में लैपटॉप हमेशा कैरी करता है, लैपटॉप उनकी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है और होनी चाहिए उनके साथ हमेशा, उन लोगों के लिए बहुत ही काम का रह सकता है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है इस लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।